Sahil, see this dress? Lovely, na? Lelu, only 4,999. 5,000? Sirf ek dress ke liye? नहीं नहीं, तुम पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये खरीदी तो इससे मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना? है? ड्रेस के साथ कैरी बैग। फिर इन्हें पता चला डीसीबी बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जहां डेबिट कार्ड यूज करने पर साल में 20,000 रुपए तक कैशबैक पाएं अपने सेविंग्स अकाउंट में। मेरा डीसीबी सेविंग्स अकाउंट, अब मुझे कैशबैक मिलेगा। डीसीबी सेविंग्स अकाउंट, इससे कैशबैक मिलेगा। वक्त कुछ ऐसे सिखा देता है, वक्त कुछ ऐसे सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीरें। दोस्तों, जिंदगी हमारे को बहुत कुछ सिखाती है। कभी कुछ अच्छा दिखाती है तो कभी कुछ बुरा दिखाती है। जब हमें कभी कुछ अच्छा देखने को मिलता है जिंदगी में, तो उसे हम बहरहाल अपनी जिंदगी में समेट लेते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जब कुछ बुरा होता है, उसे हम हर रोज महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब जिंदगी हमें कुछ बुरा देती है, तो हम किसी ना किसी को इल्ज़ाम देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम आज इसी मुद्दे के साथ अपने हाले दिल के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आपको अपने खास दोस्त से मिलवाने जा रही हूँ, आज अपने हाले दिल के इस सफर में। तो दोस्तों, मैं चाहूंगी कि अगले 15 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे खास गेस्ट को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि वो बहुत प्यारी जिंदगी की कुछ खास बारीकियां आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप आज मिल रहे हैं शिवानी अरोड़ा से, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में शिवानी को। वेलकम शिवानी टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच शिवानी। हमारे को ये तो पता है कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, पर आपकी एज अ मेकअप आर्टिस्ट जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मेरा ये प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट का सफ़र 5 साल पहले शुरू हुआ। हमेशा से मन में इच्छा थी कि कुछ करना है लाइफ में, लेकिन फोकस नहीं था और एक्चुअली मालूम भी नहीं था कि कौन सी चीज़ मैं चूज़ करूँ, क्योंकि चॉइसेस बहुत थी उस टाइम। शादी को कुछ 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं और शादी से पहले कई प्रोफेशनल मेकअप कोर्सेज करे और उससे पहले फैशन डिज़ाइनिंग किया पर्ल अकेडमी से। वहीं पर ही सफ़र स्टार्ट हो गया मेकअप का, जबकि बिल्कुल भी अनुमान ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी वर्कशॉप ली मैंने एक मेकअप की और उसके बाद बस शौकियाँ शौकियाँ करते रहे। शादी के बाद अपने रिलेटिव्स के लिए कर देना, फ्रेंड्स के लिए कर देना, सबसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना और खुश हो जाना। और लेकिन एक हैप्पीनेस नहीं थी लाइफ में, कुछ मिसिंग है, हमेशा यही लगता था। जब जाना कि क्या मिसिंग है, तो आंसर मिलना शुरू हुआ अपनी अवेयरनेस से कि हाँ, कुछ काम करना है, कुछ करना चाहिए। जब सब फ्रेंड्स ने, सब घर वालों ने इस चीज़ को सराहा कि ये बहुत ही अच्छा हुनर है आपके अंदर, आप हमें सिखाओगे क्या, और ये चीज़ भी शुरू करी, लोगों को सिखाना भी शुरू करा। घर घर में ये सब, कोई भी आए, किसी का भी बड़े वेलकम नोट पे मेकअप कर देना। और फिर सोचा कि अगर ये एक एक्सचेंज ऑफ मनी के रिलेशन से भी ये काम हो जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक हेजिटेशन आ गई, हिचकिचाहट इसी चीज़ की थी कि क्या ये ठीक होगा। पर फिर काफ़ी ज़्यादा इस जर्नी में आगे चलते हुए लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। और तब मैंने इस काम में कदम रखा। अंजुमन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एकदम से मेरी लाइफ में ये चेंज नहीं आया कि मैंने एकदम से इस प्रोफेशन में पैर रखा और सिर्फ एक ही एम बना लिया कि पैसे कमाने हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जब वो लोग मेरे को अप्रोच करते थे जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते या मे बी सिर्फ एक हेल्प के तौर पे, तो उन ब्राइड्स का भी बहुत अच्छे से वेलकम करा मैंने और उसको एक गुड कॉज के लिए देना शुरू किया। तो देखिए दोस्तों, इस हाले दिल के शो में मैं सेलिब्रिटीज़ को नहीं लेके आती, लेकिन जो लोग हमारे रूबरू आते हैं, जिनको मैं शोकेस करती हूँ, वो सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सेलिब्रिटी क्यों? क्योंकि जिस प्रकार सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, उसी प्रकार जो गेस्ट मेरे साथ हैं, इनकी ज़िंदगी में भी वैसे ऊपर नीचे पड़ाव आते हैं।
और ये पड़ाव सुनने जानने आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है आप अपनी जिंदगी के इस सफर में या तो उस पड़ाव पे खड़े हैं या आपके आगे जिंदगी में ये पड़ाव आने वाले हैं। तो बहुत अच्छी सीख हम जब बात करते हैं, महसूस करते हैं, तो मेरी एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ कंसल्टेंट हर बार कोशिश रहती है कि मैं आपको उस पड़ाव के आगे का रास्ता दिखा पाऊँ, आपकी दृष्टिकोण को बढ़ा सकूँ, आपके दृष्टिकोण को उजागर कर सकूँ। यही कोशिश के साथ आगे बढ़ते हैं इस सफर। तो शिवानी, आपसे जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक तरफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई थी, दूसरी ओर आपकी फैमिली थी। इस प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को आपने एज अ इंडिविजुअल कैसे बैलेंस किया? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने अंजुमन जी। एक्चुअली जब एक चीज़ आती है कि एक लेडी के अंदर, स्पेशली जब वो मैरिड हो और उसकी एक लाइफ स्टार्ट हो गई हो, उसको तभी ये सब चीज़ें दिमाग में आती है कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँगी। और मेरे साथ भी जाहिर से बात है यही था। और फैमिली सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा मिला कि 5 साल का बच्चा था उस टाइम पे मेरा, वो सब फैमिली ने कैसे मेरी हेल्प करी मैनेज करने के लिए, उनको मैं यहीं थैंक यू करती हूँ। एंड माय हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बिन माय स्पाइन। तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट किया गया और मैंने भी हर चीज़ को अच्छे से बैलेंस आउट करने की कोशिश की। इसी तरह से मैंने कई प्रोफेशनल कोर्सेज करे, जैसे एमिली, शी इज़ फ्रॉम क्रायलॉन, शी इज़ एन इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, उनसे मेकअप सीखा और कई वर्कशॉप्स करती रही थी साथ में ओजस रजानी जी से, और साथ साथ कुछ ना कुछ सीखने की चेष्टा आज भी रखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर हाथ में कोई हुनर आ गया है वो लोगों को देना ज़रूर प्रेफर करती हूँ, लेकिन सीखने की कोशिश आज भी जारी है और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है बिना घर को इग्नोर करे, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट इतना है कि हर चीज़ साथ में हाथ में हाथ में चल रही है। तो दोस्तों, देखिए किस प्रकार शिवानी ने अपने पैशन को अपनी प्रोफेशनल लाइन बना लिया। जब हम सोच लेते हैं हमने किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो खुद ब खुद हमारे दिल से आवाज़ आ जाती है, तो फिर हम उसे अपने दिलो दिमाग से करने लग जाते हैं। शायद शिवानी ने भी यही रास्ता अपनाया। उसे मेकअप करना अच्छा लगता था, पहले तो उसने रास्ता बनाया, रास्ता बनाते हुए उसने पैशन, अपनी पैशन को आगे एक और डायरेक्शन दी और शायद उसको सही आवाज़ मिल गई कि यही प्रोफेशन उसको आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, एज अ साइकोलॉजिस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, वो ये है कि जब हम औरों की सफलता देखते हैं, बस दफ़ा हम उनकी सफलता को अपनी सफलता बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन यहाँ हम गलती करते हैं। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि जब हम खुद कुछ करना चाहते हैं, हम अपने दिमाग जहन को उस तरीके से अलाइन कर लेते हैं, तभी तो हम उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ हमारा पैशन है। और जब हम अपने पैशन के पीछे दौड़ पड़ते हैं, वही हमारी जीत शुरू हो जाती है। शिवानी, आप एक बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत सफलता हासिल की है, उसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। आपने किसी को एंकर बनाया होगा, या आप अपना किसी को रोल मॉडल मानते होंगे, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं जिसके लिए आज आप इतने सफलता पे पहुंच पाई हैं। और शायद मैं आपको जब देखती हूँ तो मुझे एक बड़ा शांति का एहसास होता है, क्या ऐसा है? अंजुमन जी, रोल मॉडल तो हर किसी की लाइफ में होते हैं। आप जिसको भी सराहें, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप किसी को काम करते हुए देखेंगे और वो आपको पसंद आएगा तो आप कहेंगे कि हाँ जी, ये मेरा रोल मॉडल है। बट मेरी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन गुरु जी हैं। शायद सबने सुना ही होगा उनके बारे में, गुरु जी बड़े मंदिर छतरपुर। यहाँ पर वो चर्चा ना करते हुए मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो सब लोग अपने अपने तरीक़ों से भगवान को प्यार कर रहे हैं, जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत ही नेक है। तो वही रास्ता मैंने भी अपना रखा है कि वहाँ से मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, इतनी शांति मिलती है कि वो इनर ब्यूटी एक एक्सपीरियंस करने का नज़र ही बदल गई है। क्योंकि मेरी नज़र में हर एक लेडी सुंदर है, सिर्फ हम लोग मेकअप में कलर्स ऐड कर देते हैं, उनकी
एक तरह से कहना चाहिए मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाता है जब हम किसी के लिए मेकअप करते हैं तो, और वो अच्छे पहनावे से या अच्छे मेकअप से, अच्छा दिखने से वो हम सब में आ जाता है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हम अगर राधा जी को भी देखें, राधा रानी कितना सुंदर तैयार होती थी किसको, प्रभु को रिझाने के लिए। तो यहाँ पर अंजुमन जी मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि जब आप कहीं भी मंदिर में जा रहे हैं या कहीं पे, तो भगवान यही कहते हैं कि जब मेरे पास आएँ तो तैयार होकर आएँ। तो इसीलिए लोगों का पर्सपेक्टिव तैयार होने की तरफ डिफरेंट करने के लिए मैं ये सब बातें आपसे यहाँ पर कर रही हूँ कि तैयार होने को और तैयार ना होने वालों को, दोनों को ही बड़े प्यार से सोसाइटी में जज किया जा रहा है। तो क्यों ना ये जजमेंट छोड़ें, और मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें सीखने में खुद के लिए भी, तो आपको भी खुद बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा। अंजुमन जी मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे कि मैं जब भी किसी को तैयार करती हूँ तो ऐसे करती हूँ, ये मन के भाव होते हैं कि मैं किसी भक्त को भगवान के लिए तैयार कर रही हूँ। उससे क्या होता है, वो सारे मेकअप ब्रशेस भी ब्लेस हो जाते हैं, भगवान जी अपने आप ही शायद सारा काम कर जाते हैं, और बाद में अप्रिसिएशन भी इतनी दिला जाते हैं कि जैसे बाद में अपने आप को यही कहती हूँ कि आई एम नॉट द डूअर, क्योंकि एक्चुअली होती भी नहीं। और इसी को मैं कहूँगी, इन्हीं भावों को मैं कहूँगी, यही स्पिरिचुअलिटी टच है मेकअप में, जैसा कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख पा रही हूँ। प्रोफेशन में तो सभी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनमें ही लीन रहकर ये वाला काम भी करना चाहती हूँ, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो इस पूजा को भी वैसे ही निभाना चाहती हूँ जैसे कि सब वही इंस्पायर कर रहे हैं और कर भी वही रहे हैं। जैसे कि कोई ब्राइड तैयार होने आती है, वो कितनी नर्वस होती है, तो मैं बैक सीट में जाकर अपने टाइम पर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ हाँ मैं भी एक दिन यहीं थी, और फिर उसको एक कॉन्फिडेंस देने का नज़रिया बदल जाता है, वो सारा एक डील करने का तरीका उससे मेरा चेंज हो जाता है। पहले मैं उस ब्राइड को इतना कंफर्टेबल करती हूँ, और इसी वजह से सारा काम करने का नज़रिया बदल जाता है। और मैं चाहूँगी कि अगर इस इंटरव्यू से कोई कुछ ले पा रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को अपने हर काम में, सिर्फ मेकअप के प्रोफेशन में नहीं बल्कि हर किसी काम में आप ऐड करके देखो अपने नज़रिए से, आप कर पाओगे। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ ये अपना हाल दिल का सफ़र तय किया। मुझे उम्मीद है आपको ये सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा। मुझसे कंटैक्ट करने के लिए संपर्क करें इन नंबर्स पर, और जुड़े रहिए मेरे साथ हाल दिल के सफर में। पापा पापा पापा, मुझे ये वाली राइड करनी है, ये शूटिंग गेम, ये फ्लाइंग वाली, और ये वाली भी। ₹250 एक राइड की? यस सर। अगर मैंने 5 राइड्स ली तो इससे मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना क्या? बच्चे की खुशी। फिर इन्हें पता चला डीसीबी बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जहां डेबिट कार्ड यूज करने पर साल में ₹20,000 तक कैशबैक पाएं अपने सेविंग्स अकाउंट में। मेरा डीसीबी सेविंग्स अकाउंट, अब मुझे कैशबैक मिलेगा। डीसीबी सेविंग्स अकाउंट, इससे कैशबैक मिलेगा।